श्री फर्मा है कर्नल योगेश्वर सिंह एस एस पी वाणीपुर श्री जाहिद साहब मुश्ताक का वेलकम भी करता हूं और शुक्रिया अदा भी करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दूसरा ऐसा इवेंट है जो वुलर फेस्टिवल यहां पे कराया जा रहा है। वुलर जो है एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक है, इसको प्रमोट करने की जरूरत है। उड़ीसा का चिल्का लेक जो है पूरे वर्ल्ड के टूरिज्म मैप पर है, वो सॉल्ट वाटर लेक आता है, उतना ही या इवन उससे भी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल वैरायटी से भरा हुआ हमारा वुलर है। आज के इस फेस्टिवल में आपने भी देखे होंगे बहुत सारे फोटोग्राफ यहीं के लोकल नॉन प्रोफेशनल लोगों ने खींचे हैं, कितने खूबसूरती दिखाते हैं वुलर की। आज जो फेस्टिवल रहा जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट और हमारी जो आर्मी है उन्होंने मिल करके ये काम किया है, काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी लोग इसमें शिरकत किए हैं। विंटर में यहाँ काफ़ी बर्ड्स आते हैं, साइबेरिया से दूसरे पार्ट से बर्ड्स आते हैं और मुझे लगता है कि उन दिनों में भी जैसे पिछले साल भी एक किया था वैसा ही फेस्टिवल्स उपमा करने जा रही है। उसके डेट्स वो शॉर्टली नोटिफाई करेंगे, एक वीक पर्टिकुलर नोटिफाई करेगी, एक या दो दिन का वो फेस्टिवल करेंगे ताकि यहाँ भी जो है वुलर के बारे में भी लोगों को पता हो और वुलर के अगल बगल में भी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ भी लोग जाए। टूरिज्म काफ़ी बढ़ रहा है, 2019 के पहले सालाना औसतन 5 लाख टूरिस्ट वैली में आता था, अगर हम अमरनाथ जी के यात्रा का जो पिलग्रिम्स है वो माइनस करेंगे तो। आज जो है ये टूरिस्ट सालाना तकरीबन जो है 20 लाख तक गया है। इसी साल का 2022 का अगस्त एंडिंग तक का जो आंकड़ा है वो 20 लाख हो गया है और 4 महीने बाकी है। ये आने वाले 1 या 1.5 साल में और उसमें जो है 5 से 7 गुना बढ़ोतरी होने जा रही है। जब हमारी रेलवे यहाँ कनेक्टेड हो जाएगी, हाईवे का काम जो रामबन जिले में पेंडिंग है वो मुकम्मल हो जाएगा और एयरपोर्ट का जो एक्सपेंशन करने जा रहा है वो मुकम्मल हो जाएगा, तो तीनों यातायात रूट से काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आएगा। डेफिनेटली जो हमारा टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, वो कम पड़ने लगेंगे। टूरिस्ट जो है यहाँ के लोगों के घरों में भी रहना पसंद करेंगे। आज का टूरिस्ट वो पहले वाला टूरिस्ट नहीं है कि जिसमें वो नज़र से खूबसूरती निहारना सिर्फ चाहता है, आज का टूरिस्ट जो है वो एक्सपीरियंस भी करना चाहता है। मान लीजिए वुलर में आ गया तो वुलर में जो है पैरासेलिंग भी करना चाहेगा, वुलर में बोट रेसिंग भी करना चाहेगा या कहीं पहाड़ों पर जो है ट्रेकिंग भी करना चाहेगा। ऐसा टूरिस्ट आजकल का टूरिस्ट है, यंग नौजवान जो टूरिस्ट है वो होम स्टे ज़्यादा पसंद करता है। डेफिनेटली आने वाले दिनों में यहाँ होम स्टे की ज़रूरतें काफ़ी पड़ेगी। मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आपके ज़रिए से यहाँ की आम आवाम को, आपने आपके घर जो है काफ़ी खूबसूरत है, महल जैसे है, हर किसी के कमरे घर में जो है डेफिनेटली आप 1-2 कमरा तो जो है सरप्लस निकाल सकते हैं, उसको ठीक करिए और जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसके साथ उसको रजिस्टर करिए। आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपने गाँव में ही नहीं आपके घरों में भी टूरिस्ट को आप रुकवा सकें। क्या है, कट ऑफ रहने की भी एक अपनी खूबसूरती रहती है। मुझे लगता है कि गुरेज की खासियत जो है USP जो है वही है, विंटर के दरमियान जो हम वहाँ हवाई यातायात रखते हैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए से, वो इस साल भी रखने का हमारा प्रयास रहेगा ताकि जो लोकल लोग हैं वो वहाँ जा सकेंगे। प्रयास करेंगे कि जो सिविल एविएशन पॉलिसी नहीं आई है उसके तहत अगर कोई प्राइवेट एविएटर आ जाता है डेफिनेटली कुछ एक अगले हफ्ते ही जो है गुरेज फेस्टिवल्स भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रही है। का उपमा डेवलपमेंट अथॉरिटी, वुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है जिसके तहत काफ़ी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके किनारे जो है एक वॉकवेज बनाए जिसको हम बुलेवार्ड के तौर पर कहेंगे। पूरा ये जो वॉकवेज रहेगा मोर देन 10-15 किलोमीटर के करीब आ जाएगा, काफ़ी उस पर लोग जो टूरिस्ट चलने लगेंगे तो वो वुलर की खूबसूरती निहारते रहेंगे।